ছয়তলার সঙ্গে নাচ করলে ছয়তলা তো তোমার সঙ্গে নাচ করবে। তাহলে ইন্ডিয়ার কাছে এটা তো খুব বেশি একটা অ্যামাউন্ট না, এটা তো রিটার্ন পাওয়ার জন্য ইনভেস্টমেন্ট করা হয়। তার এম্পাওয়ারমেন্ট বাড়ানোর জন্য তারা অনেক ইনভেস্টমেন্ট করেছে ইন্ডিয়া। স্বাগতম সবাইকে বিচারিকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব মেজর গৌরব আরিয়ার একটি ভিডিও, আর ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে মেজর গৌরব আরিয়া এক্সপ্লেইন অনগোয়িং সিচুয়েশন আফগানিস্তান অ্যান্ড ডায়ার কনসিকোয়েন্স ফর পাকিস্তান। উনি আসলে আফগানিস্তান বিষয়ে এখানে কথা বলবে এবং তার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো রিলেশন নিয়ে হয়তো কথা বলবে। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে, কারণ ওনার আগের একটা ভিডিও কিন্তু আমরা দেখেছি এবং সেখানে কিন্তু উনি অনেক কিছুই বলেছে, অনেক কিছুই ওনার ভিডিও থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তো এইখানকার ভিডিও থেকেও নিশ্চয়ই আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো, জানতে পারবো। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ডিফেন্সিভ অফেন্স থেকে। তো ওনার অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে ওনার অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए, हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, तीन और डुबा देंगे तो रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो पहली चीज़, हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि उन चीनियों को कैसे बचाओगे। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल, हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे? पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या? भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? Why should we do it? इंडिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन का अकाउंट था वो पाकिस्तानियों ने झूठी कंप्लेंट कर करके कैंसिल करवा दिया ना, उसको सस्पेंड करवा दिया। अच्छे से हासिल क्या होगा? आपने पेट्रियन का अकाउंट कैंसिल करवा दिया, ठीक। आपको क्या लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस बंद हो जाएगा इससे? है ना, बंद तो होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इंडियंस पैसा देते हैं वो नहीं देंगे? वो भी पैसा देंगे। बस सिर्फ ये है कि अब आपकी पीठ के ऊपर पेमेंट को देख करके बस यही, आपने ये करवाया, अब देखिए हम आपको सरप्राइज देते हैं। जैसे आपके अब्बू जान आसिफ गफूर को दिया था ना, हमने आसिफ गफूर तो कुछ कर नहीं पाया डिफेंसिव ऑफेंस का, और पोस्टिंग और करवा ली अपने। अब देखो बेटा, अब तुम्हें आने वाले हैं मज़े। वैभव, आई थिंक वी शुड वर्क टूवर्ड्स अ सॉलिड। इनके 2-3 कोर कमांडर के मोबाइल नंबर लीक कर देते हैं, है ना। हम लोग ना, हाँ, लास्ट टाइम करा था, बड़े लश्कर वाले का करा था और बड़े इनका खून उबाल मान रहा था। अच्छा, कि हमारे बड़ों का, लश्कर को तो बड़ा मानते हैं ना, ये अपने बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अब्बू हैं। दोस्तों, डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन अकाउंट था वो तो रिपोर्ट हो गया, तो डिलीट हो गया। दूसरा फ्रेश जो अकाउंट है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाइए, वहाँ पे है। यू कैन सपोर्ट डिफेंसिव ऑफेंस बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। थैंक यू। देखिए वैभव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि इंडिया के भाई 3 बिलियन की तो ये पाकिस्तानी सफर फ्रॉम अ यूनिक मेडिकल कंडीशन विच इज़ कॉल्ड प्री मेच्योर सेलिब्रेशन। वो तो है जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा प्री मेच्योर सेलिब्रेशन भी एक है। ये हर चीज़ बहुत $3 मिलियन बहाने बनाते हैं कि जी हम तो ये मतलब था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की। पहली बात, इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट वो है जो चाइना पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने जो दिया है अफगानिस्तान को, एड दी है, हमने अफगानों से ये नहीं बोला कि हम तुम्हें इतना देंगे और तुम हमें वापस इतना देना। इसमें वापस वाला चक्कर है नहीं, दिस इज़ अ वन वे स्ट्रीट। वी वॉन्ट टू डू गुड इन अफगानिस्तान, हम लोग वहाँ पर भला करना चाहते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट बनाई है, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, हम लोग इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट। ये पाकिस्तानी, इसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, शुरू में हुआ था, अब तो होता नहीं, तो पाकिस्तानी इसको पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या। सो इंडिया ने जो पैसा लगाया है अफगानिस्तान में वो किसी रिटर्न के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी चीज़ वैभव, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो पूरी बात है ना कि जब अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं
वो फतेह हो जाएंगे, काबुल पे कब्जा कर लेंगे, काबिज हो जाएंगे काबुल पे, जो पाकिस्तानी मीडिया, ये लाहौर वैरायटी ना, इंडिया के जसूस वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर हम काल वहाँ पे चले जाएंगे। ये एक तो ना, द पाकिस्तानी शुड बी ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ उर्दू, ये मैं बाद में आऊँगा इस पर, कि लाइक दे हैव यू नो दे हैव मर्डर्ड द बलोच, एंड आई डोंट वॉन्ट टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, मैं इसको हल्का नहीं बनाना चाह रहा, उन्होंने पश्तूनों को मारा, महाजरों को मारा, उन्होंने सबसे बड़ा कत्ल करा है खुद, जिसको अपनी मादर जबान ये लोग कहते हैं सिंथेटिक आर्टिफिशियल उर्दू, उसको भी मारा है। ये जो जितने भी लाहौरी एंकर हैं खासतौर से, ये बड़े बड़े बड़के मार रही हैं वहाँ पर, कि अब तो तालिबान हमारे कब्जे में, ठोक दिया इनके कप्तान को, मार दिया, अब्दुल बासित था उसका नाम, एक और अफान करके कैप्टन अफान था उसको मारा, हर रोज़ पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, हर रोज़ अफगान मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं मैं बताता हूँ, अफगान ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिफैक्टो बॉर्डर है उसको अफगान मानते ही नहीं है, कहते हैं गलत है, हम मानते नहीं इसको, और जो तालिबान है वो तो पश्तो हैं सबके सब, पश्तो स्पीकिंग है सबके सब ना, वो तो पठान है, उनकी रिश्तेदारी इधर भी है उधर भी है। जो पाकिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था 1979-89 के बीच में, जब 3-4 मिलियन पश्तून रेफ्यूजीज आए थे, वो कहाँ गए, वो कराची गए, वो कुछ इस्लामाबाद गए, कुछ लाहौर गए, कुछ पेशावर के बाहर कैंप्स में रहे, कुछ पेशावर के अंदर घुस गए, पूरे पाकिस्तान में फैल गए वो, तो क्या पश्तून नेशनलिज्म मर गई क्या, वो तो ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा है। आप मोहसिन दावर को आप जेल में डाल दोगे, आप अली वज़ीर को उठा लोगे, राइट, आप मंजूर पश्तून के ऊपर तशद्दुद करोगे, राइट, ये सब किसी ना किसी खाते में तो लिखा जा रहा है वैभव, किसी ना किसी खाते में लिखा जा रहा है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को आपने रातों रात उठा दिया, जैसे कि कोई रेड़ी चलता सड़क वाला आदमी हो जो रेड़ी चला रहा हो, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उठा लिया आपने, क्योंकि आप उठा सकते हैं, ISI का राज है, आपने उठा लिया, अब क्या होगा, अब होगा ये, दे विल बी अ हिटबैक, और हिटबैक इनका शुरू हो गया। तालिबान वालों ने हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन पहले, मैंने ट्वीट भी करा था, उन्होंने कचहरी लगाई अपनी गिलगित बाल्टिस्तान में, ये गिलगित बाल्टिस्तान वो एरिया तो वही अफगानिस्तान से लगा हुआ, बिल्कुल उन्होंने नहीं, पहले कचहरी लगाई, जिरगा बाद में लगा उनका, उनका जिरगा लग रहा है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, दे हैव स्टार्टेड अमेंडिंग द रूल्स, उन्होंने भाई कानून अमेंड करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये जो पाकिस्तानी लाहौरिये जो टीवी एंकर्स हैं, राइट, जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए, हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे, रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह, तो पहली चीज़ हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि चीनियों को कैसे बचाओगे, 9-10 चीनी ठोक दिए उन्होंने, अब वो और मारेंगे चीनियों को, उसका कारण है तालिबान कैनॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैनॉट रीजन विद द तालिबान। पाकिस्तान को अब ये सोचना है कि अगर तालिबान आ गया काबुल में, जैसे पाकिस्तान ने एक बार रिकॉग्नाइज करा था, आपको याद होगा, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करा था तालिबान को एज अ लेजिटिमेट रजीम, सऊदी अरेबिया ने करा था, UAE ने करा था, पाकिस्तान ने करा था, सऊदी UAE ने साफ मना कर दिया, और तालिबान उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर है, तालिबान का वहाँ पे रीच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो रीच है ना, ये तो घुसे हुए हैं अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में। पश्तून सेकेंड लार्जेस्ट जो मेजोरिटी है, जो पाकिस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है आफ्टर द पंजाबीज, वो किसकी है, पश्तूनों की है, इन द आर्म्ड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी पश्तूनों की है, भरे हुए हैं पश्तून, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान। ये जितने भी ये लाहौरी है ना, जसूस हैं ये, है ना, ये जितने भी लुढ़ियाँ पाते हैं, भंगड़े पाते हैं ना, 3 मिलियन डूब गई, 3 बिलियन डूब गई, ये सब इनको अभी आटे दाल का वैभव भाव पता लगने वाला है कुछ दिनों में। वैभव, ये जो ड्यूरेंट लाइन की हम बात करते हैं, एट द कोर ऑफ द ड्यूरेंट लाइन इशू इज पश्तून नेशनलिज्म। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था पेशावर में, सहाफ़ी हैं, सो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेड कि मेजर साहब पश्तून फॉर 5,000 years, राइट, मुस्लिम फॉर 1,400 years एंड पाकिस्तानी फॉर 74 years। तो मैंने बोला ये तो नवाबजादा अकबर बुख्ती साहब का कोट है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो बलोचों के लिए कहते थे, कहता हमारे लिए क्या गलत है कोट, इट इज़ ट्रू फॉर अस ऑल्सो, एंड पश्तून नेशनलिज्म लाइक बलोच नेशनलिज्म इज अलाइव। अब आप इसके ना, इसके दो एक्सट्रीम पहलू हैं, एक पहलू है मुल्ला उमर वाला थॉट प्रोसेस, तालिबान औरतें नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, पत्थर से मार दिया जाएगा, स्टोनिंग टू डेथ, हाथ काट दिए जाएंगे, टिपिकल इस्लामिक शरिया लॉ एक वो है।
दूसरी उसकी सूरत है जो लोग थोड़े से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, दे आर ऑल्सो पश्तून नेशनलिस्ट्स, उसमें आपके यू नो सेक्युलर उनको बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मोहसिन दावा टाइप के, अली वजीर टाइप के, मंजूर पश्तून ना एनपी टाइप, यस। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, और ये कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। 3 से लेकर 6 महीने में देख लेना पूरे पाकिस्तान को जुकाम लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने कभी समझा नहीं, हर समय अपनी अपनी हाइट से अपने कद से ऊपर बात करने की कोशिश करी। जिसको ये सबसे बड़ा अपना एसेट समझते थे ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे बड़ा एसेट समझते थे, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सबसे बड़ी लायबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और करो स्ट्रेटेजिक डेप्थ करनी अफगानिस्तान में करो, अरे दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान, जिसको ये अपना एसेट समझते हैं कि तालिबान आ गए तो वो भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, जो पाकिस्तान नॉर्मल ड्रामा करता है लाहौर, वो तो रिकॉग्नाइज नहीं करते तुम्हारी सॉवरेनिटी, वो तो कहते हैं मरगला हिल्स का एरिया जो है वो मरी मरगला हिल्स वाला एरिया वो सब ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट है, वो लोग तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, दे से दैट। एंड तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। भागो यहाँ से, देखो 20 साल गुफा में रहे हैं तालिबान, अब उन्होंने थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी सीख ली है, उन्होंने थोड़ी सी बातचीत भी सीख ली है, और 20 सालों में वैभव तालिबान को ये पता लग गया है कि दुनिया काम कैसे करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े सेक्युलर बन गए हैं तालिबान और यू नो लिबरल बन गए हैं और वुमेन्स एजुकेशन एंड गे राइट्स, ये सब ये कभी नहीं होगा। माइंडसेट देखो, कोर तो वही रहता है ना आदमी का, थोड़ा सा कोर कभी चेंज नहीं होता, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बट कोर रिमेन्स द सेम। तालिबान का कोर वही है, लेकिन 20 साल में तालिबान देखो, कतर भी घूमाए, ये दुबई में भी मुज़ाकरात करके आ गए, NSA अजीत डोवाल के साथ भी बैठ गए, ये जयशंकर साहब के साथ भी बैठ गए, ये अमेरिकन के साथ भी बैठ गए, तो इनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा खुला है। अब ये वो तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाले जो टोरा बोरा के गुफाओं में घूमते थे, मर्सिडीज रोल्स रॉयस में चलने वाले तालिबान है, ये तालिबान वो है जिसको वर्ल्ड पावर के बारे में थोड़ी सी सूंघ लग गई है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हाँ अब जो अफगानिस्तान में डील होगी ना उसमें हमारा एक बहुत बड़ा से होगा। ये इनको हर समय अपने बारे में गलत ना, इनकी क्रेडिबिलिटी है ना इनके पास पैसा है। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, राइट? चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, चाइना को क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की, क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की? शुरू शुरू में पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स, মানে চায়না যদি কোনো কিছু করতে চায় সেটা তো আফগানিস্তানের সঙ্গে সরাসরি করতে পারে, যেহেতু তার বর্ডার আছে, তার কি দরকার পাকিস্তানকে হেল্প লে লেঙ্গে আপনে কন্টাক্টস বানায়েঙ্গে ফির পাকিস্তানিওকে ফেক দেঙ্গে বাহার, পাকিস্তানিওসে বোলেঙ্গে কি তুম হামারি ইনভেস্টমেন্ট আফগানিস্তান মে প্রোটেক্ট করো, কিউকি চায়না আপনি ফৌজ নি ভেজেগা। এক বার ধ্যান রাখনা বৈভব, চায়না জো নেভাল পাওয়ার হ্যায় আপনা ও চাহে হনুমান টোটা পোর্ট ভেজ দে, গোয়াদর ভেজ দে, বুটস অন দ্য গ্রাউন্ড চায়না নি করেগা। চায়না ইজ ভেরি স্মার্ট, ইনকি তরহ বেকুফ নি হ্যায় कि किसी ने $5 फेंके और ये चलेगा अपना हथियार लेके मुजाहिद बनने के लिए, हर जगह पहुंच जाते हैं ना ये लड़ाई लड़ने के लिए, कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये नौटंकी इकबाल की कोट करते रहते हैं ड्रामा। चाइना इज वेरी स्मार्ट, चाइना बोलेगा हम आएंगे वहां पे, हम आएंगे अफगानिस्तान में, हम पैसा लगाएंगे, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वहां पे आएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे। हो सकता है चाइना ऐसा करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या उनको राहदारी चाहिए पाकिस्तान से? नहीं चाहिए, चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनको चाहिए क्या? थोड़ा सा मेल मिला, $4-5 billion लो तो चाइना खुद संभालेगा, और इनको बोलेंगे कि तुम अपनी फौज इस्तेमाल करो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और आखिरी चीज, हमारे भाई साहब बोलते ही पड़े बुजुर्ग हमारे मुबशर रुकमान, जय हो प्रभु, प्रभु ने क्या बोला अपने एक व्लॉग में, उनको पता नहीं आकाशवाणी आती है कहीं को फरिश्ते उनके कान में फुसफुसाते हैं, उनका ए प्लस कोई सोर्स है यार, पता नहीं कौन है ए प्लस सोर्स उनका, ए प्लस सोर्स थोड़ा लव फ्रॉम फवाद चौधरी भी चलता है उनका, ऊपर लेवल है थिंकिंग करके। ए प्लस सोर्स ने, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए प्लस सोर्स, उनका एक ए प्लस सोर्स है, मुबशर लुकमान साहब ने ये बोला है कि मुझे मेरे ए प्लस सोर्स ने बताया है, जैसे बोलते हैं ना सर ऐसे ऐसे करके,
कि साहब इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। ये इंडिया को नहीं पता, ये अमेरिका को नहीं पता, ये मुबशर को पता है। ठीक है, मैंने बोला लाहौरिया ऐसी इनकी डील हो गई है। क्या डील हुई है कि अमेरिका इंडिया को हर साल $15 बिलियन देगा और इंडिया 1.5 लाख फौजी, कितने 1.5 लाख फौजी अफगानिस्तान में डालेगा। ये डील हो गई है, ये इनके ए प्लस सोर्स ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ कोई पैसा, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही आप लोगों ने गुरेज कर दिया, मतलब हाथ पर धो लिया आपने कि पढ़ना लिखना ही नहीं है। देखिए $15 बिलियन का फिगर पाकिस्तानियों के लिए ऐसा है जैसे खुदा ऊपर से आ गया हो जन्नत से। ये सजदा वजदा करने लगेंगे 15 बिलियन। हमारे लिए $15 बिलियन बड़ा नहीं है, ठीक है। इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है, ठीक है। इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है। तो इंडिया के लिए, इंडिया का डिफेंस बजट है, इट इज क्रॉस $70 बिलियन। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल। हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे? पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या? भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? व्हाई शुड वी डू इट? हमारा इसमें बेनिफिट क्या है? और अगर हम करेंगे इफ एट ऑल इट विल नॉट बी फॉर $15 बिलियन, इट विल बी फॉर समथिंग ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक वैल्यू, नॉट फॉर मनी। क्योंकि पैसा तो हमें आता है कमाना यार, पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे। $15 बिलियन क्या एक बड़ी TCS एक साल में कितना कमाती है? पोषा जगनो है तो एक करता बार भाई इन्हें उन्नो कुनो भैलू विप्रो कितना कमाती है, इन्फोसिस कितना कमाती है? ये कंपनियां हर साल इतने नोट छापती हैं यार। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ, दे हैव मोर मनी देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये पता नहीं कैसी अजीब सी बातें करते हैं कि $15 बिलियन पर डील हो गई है, इनका ए प्लस सोर्स है। इंडिया अगर जाएगा अफगानिस्तान के लिए, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एम के लिए जाएगा, इंडिया पैसे के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि पैसे की जरूरत इंडिया को नहीं है, पैसे हमारे पास है। बंदे उसी के लिए काम करता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। जब पाकिस्तान पैसे के लिए काम करता है, कंगला है, उसको पैसे के लिए काम करना है। हम कंगले नहीं हैं, हमें पैसे के लिए नहीं काम करना है। अगर हम बूट्स ऑन द ग्राउंड डालते हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके कारण कुछ और होंगे, उसका कारण पैसा नहीं होगा। तो वैभव, इसका ना ये पूरा जो तालिबान का मामला है और जो स्पिल ओवर हो रहा है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर, इसका यार एक पॉजिटिव नोट भी है। पाकिस्तानी जर्नेलों के जो रिटायर्ड है ना, पाकिस्तानी जर्नेल जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, है ना, उनको पैसे मिलेंगे। कैसे? पिछली बार जब इन्होंने नहीं करा था ये ज़रबियाज वगैरह, ये सब ऑपरेशन इन्होंने करे थे, तो क्या हुआ था? रद्दुल फसाद और ये सब ऑपरेशन जब उन्होंने लगातार करे थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ से काफ़ी जो रिच पॉपुलेशन है, वो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो मरेगा वहीं पे जहाँ पे। अमीर लोग जितने भी थे वहाँ पे, वो भग के आ गए इस्लामाबाद। और किराया 4-4, 5-5 गुनी पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर कर्नल और जनरल जिनकी कोठियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी कोठियाँ चढ़ा दी। एक फायदा तो है, देखो पाकिस्तानी फौज को कुछ ना कुछ पाकिस्तानी आर्मी को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। देखो दैट दे मैनेज, लड़ाई जीते ना जीते, ठीक है, लड़ाई जीते ना जीते, जेब में गर्मी होनी चाहिए बॉस, है ना। लड़ाई तो ये तो आने जाने वाली। देखो पाकिस्तानी फौज एक चीज़ मानती है कि इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज़ है, इसके लिए इमोशनली होना चाहिए इज्जत के लिए, जेब गर्म होनी चाहिए। पंजाबी में कहावत भी है कि इज्जत तो आनी जानी है, बंदा बेशरम होना चाहिए। सो दैट इज वॉट दिस थिंग, यानी कि दिस इज ट्रांजिएंट, ऑनर इज ट्रांजिएंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी। तो वैभव, इन लोगों ने APS पेशावर के जो बड़ा बुरा एक अटैक हुआ था जिसमें बच्चे मरे गए अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने क्या करा पाकिस्तानी फौज ने, उसका प्रीटेक्स्ट लेके, अब क्योंकि CPAC प्रोटेक्ट करनी थी, चाइनीज़ ने डंडा घुमाया, बोला कि यार तुम तो पैसे ही ले रहे हो, काम वाम नहीं कर रहे, रियल ऑपरेशंस करो। दे डिड रियल ऑपरेशंस, फिर इन्होंने लॉन्च वॉन्च करा सब कुछ। उस समय क्या था, इनको बहुत बड़ा फ़ायदा था, कि तालिबान वॉज ऑन द रन, वहाँ से वेस्ट की साइड में से प्रेशर। अब आप देखो ना पूरी चीज़, ये हुई कैसे? आप इंडिया का सीज़ फायर देखो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर हुआ है। सो पाकिस्तान, मैं दर्शकों को बताऊं, तो पाकिस्तान ऐसा लंबा साइज़ में है, राइट, उसकी जो विड्थ है पाकिस्तान की वो बहुत कम है, इसलिए हर समय स्ट्रेटेजिक डेप्थ की गाना गाते हैं उनके जनरल्स, जो स्टोरी अभी इनकी फेल हो चुकी है। उनका ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ और वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, फिर उनका चीन के साथ भी है, फिर उनका ईरान के साथ भी है, फिर दाएं बाएं, बट बेसिक उनका जो दो बड़े बॉर्डर हैं, इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में।
पाकिस्तान कैन नॉट फाइट ऑन बोथ द बॉर्डर्स। पाकिस्तान की मजबूरी है कि इंडिया से बात करो, अमेरिका से प्रेशर डलवाओ, यूरोपियन यूनियन से प्रेशर डलवाओ, हाथ पैर जोड़ो, इंडियन से बोलो यार तुम लाइन ऑफ कंट्रोल शांत रखो। अब देखो इंडिया क्या कर सकती है, कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत, दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान का गला सूख जाएगा, इनको ये नहीं पता लगेगा कि वहां पे तालिबान से डील कर रहे हैं, जिनको कहते थे हमारे मुसलमान भाई हैं, वही पकड़ पकड़ के इनको ठोकेंगे बिकॉज दे डोंट रियलाइज। अच्छा अफगानों का एक और मसला है, एक बंदा है काबुल में, ही रन्स ए न्यूज एजेंसी, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो मेरी उससे अच्छी बातचीत है, आई हैव नेवर मेट हिम बट मेरी अच्छी बातचीत है। ही वॉज टेलिंग यार, उसने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे, वो मुझसे कहता है कि मेजर साहब जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो पुराने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से और अभी के खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे हैं, है ना, दोज डू नॉट बिलोंग टू द पाकिस्तानी, दोज बिलोंग टू द पश्तूंस। अच्छा इनका एक और कहना है कि ये हमारी ज़मीन पे तुम बना रहे हो, जैसे बलोचिन से नहीं कहते कि ग्वादर हमारी ज़मीन पे, पाकिस्तान की ज़मीन पे थोड़ना है, वही चीज़ पश्तून भी इनसे कह रहे हैं, यही चीज़ पश्तून भी इनसे कह रहे हैं कि भाई देखो साफ सीधी बात है, ये जो बन रहा है ये हमारी ज़मीन पर बन रहा है, हम चाइना के साथ डील करेंगे, तुम कहाँ से आ गए बीच में भाई। तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी देखो, पाकिस्तान की सोवरेनिटी इज़ द ईजिएस्ट अवेलेबल सेलेबल कॉमोडिटी इन द मार्केट। कभी चीनियों ने खरीदी, कभी अमरीकियों ने खरीदी, कभी सऊदियों ने खरीदी, कभी यूएई वालों ने खरीदी, राइट पाकिस्तान की सोवरेनिटी। जिसने नहीं खरीदी वो तालिबान है, उसने मुफ्त में ले ली, तालिबान कहता हम पैसे क्यों दे, तो हमारा ही है, उन्होंने वैसे ही हड़प लिया। आप देखिए ना फ्रॉड कितना बड़ा है, झूठ कितना बड़ा है, फरेब कितना बड़ा है अपने खुद के लोगों के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तानियों पर मुझे रहम आते आते फिर रुक जाता है, फिर मुझे लगता है यार कि पता नहीं दे डिजर्व रहम और दे डोंट डिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान के डायलॉग एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें कि मैं पूछना चाहता हूँ ये लाहौर के जो बड़े बड़े एंकर हैं ना, जो जसूस कार रहे हैं, जा रहे हैं, जो उर्दू का कत्ल करते हैं, उर्दू के कातिलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ए उर्दू के कातिलों एक बात बताओ मुझे, उर्दू का कातिल जिसने बेसिस मांगे आपसे, आप उसका नाम बताइए, वो कौन सी चिट्ठी थी जिसके थ्रू आपसे बेसिस मांगे, वो कौन सा टेलीफोन कॉल था, वो कौन सा फैक्स था, वो कौन सा टेलीग्राम था, वो कौन सा बंदा था जो पर्सनली आके मिला और जिसने बोला कि अमेरिका को बेसिस चाहिए। वो देखिए वैभव, मैं पहली बात तो ये है कि भाई किसने मांगे ये तो बताओ ना, कौन से अमेरिकन ने आके बेसिस मांगे, आप रिकॉर्ड बताओ सबके सामने, क्लियर कर दो, हमारे लिए मत क्लियर करो, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्लियर करो। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एक और चीज़ है लाहौरियों के साथ, ये एंकर जितने भी लाहौरी एंकर है ना जसूस वाले, दे टॉक अ लॉट अबाउट, ये बहुत वर्ड स्ट्रेटजी बहुत यूज़ करते हैं, इन सबके बाप दादा कभी फौज में रह चुके होंगे ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्ट्रेटजी। बड़ा स्ट्रेटजिक है, बड़ा स्ट्रेटजिक है, टैक्टिकल अकल नहीं है, बात स्ट्रेटजी की करते हैं लोग, दे डोंट हैव द ब्रेन्स बेसिक। अगर ब्रेन्स इनकी इतनी अकल होती वैभव तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। ये अगले दिन झूठ बोल देते हैं, ये इमरान खान को कहते हैं ना किंग ऑफ यू टर्न्स, ये लाहौरी एंकर खुद यू टर्न लेते हैं हर दूसरे दिन, एवरी सेकंड डे दे आर टेकिंग यू टर्न्स, इनको खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है। अब आप देखो सीआईए का डायरेक्टर है, लाहौर जगह तो कोई आला था, मैंने पाकिस्तान इमरान खान सेड आई हैव रिफ्यूज्ड टू, जो सब रिफ्यूज्ड टू मीट তাদের মধ্যে যে এলাকা আছে পাশে সিআইএ কা ডিরেক্টর বলে না ওরা নিজেদের কা আলাদা মনে করে, আরো জায়গাগুলো আছে সিন্ধু সিআইএ কা ডিরেক্টর কিউ নেই মিলা ইমরান খান সে, কিউকি উসকো পাতা হ্যায় কি বেকুফ হ্যায় নকার হ্যায় ভাই, মা মালিক সে মিলুঙ্গা, মা বাজওয়া সে মিলুঙ্গা, মা জেনারেল ফেজ সে মিলুঙ্গা, উনকে সিলেক্টেড প্রাইম মিনিস্টার সে মা কিউ মিলুঙ্গা, উসসে কিয়া হাসিল হ্যায় है ना। और अगर मीटिंग अगर रात को हो गई तो वैसे ही 7 बजे के बाद तो भाई साहब सुई लगा के टोन होते हैं, उनसे क्या मिलके मुझे क्या हासिल है। आप देखिएगा पाकिस्तान अलहदा मुल्क है, अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पे जो इस्लामाबाद आता है वो रावलपिंडी जरूर जाता है, और फिर ही अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, क्यों जाना है आपको। आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है इंडिया, ठीक है उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर या
यू नो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई डिनर रखते हैं तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ भी आते हैं, सीडीएस भी आएंगे हमारे, सब लोग मिलेंगे, हाय हेलो होगी, इंट्रोडक्शन होगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चला जाएगा। इट्स ओनली इन पाकिस्तान दैट अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा बड़ा आदमी आएगा, ठीक है, वो हाय हेलो इनको कहेगा, फिर वो 19-20-25 किलोमीटर का जो भी रास्ता है रावलपिंडी का वो कवर करके आर्मी चीफ को बोले, क्योंकि उसको पता है कि काम जीएचक्यू से होना है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई इनके बस का नहीं है कुछ, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, ये तो तू चोर, तुझे एनआरओ मिल गया, तू डकैत, इन्होंने यही बातें करनी है, हल्के लोग हैं, इन्होंने हल्की बातें करनी है। क्या नवाज शरीफ, ठीक है, बिलावल, क्या वो, इमरान खान तो बिल्कुल ही गौन केस है। तो उनको पता है कि असली जो पावर सेंटर है वो आर्मी है, और अभी तक जनरल बाजवा ने बयान नहीं दिया इस पर बेसिस के ऊपर। आपने देखा होगा जनरल बाजवा का कोई सॉलिड बयान नहीं आया बेसिस के ऊपर कि जनरल बाजवा इज कोटेड एज सेइंग दैट, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान के इसको तो पता भी नहीं होगा, बनीगाला के पीछे बेस होगा, इसको तो पता ही नहीं नशेड़ी को कि क्या हो रहा है, इसके घर के पीछे बेस दे देंगे, क्या कर लेंगे, पहले भी तो दिए थे, राइट। और दूसरी चीज़ है कि यार अमेरिकन्स, देखो अमेरिकन्स को पता है उन्होंने क्या करना है, वेबो दे आर वेरी वेरी क्लियर यार, ये कन्फ्यूज कॉम है पाकिस्तानी ना, अमेरिकन्स आर नॉट कन्फ्यूज, दे नो व्हाट टू डू। तो ये जो पाकिस्तानी पहले ही भंगड़े डाल रहे हैं ना, लुड़ियाँ डाल रहे हैं पहले कि भाई 3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई इंडिया की, इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट डूब गई, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आ गए, तुम्हारे गिलगित बाल्टिस्तान जो तुमने इंडिया से इलीगली चोरी से रातों रात, शाहिद अफरीदी का दादा गया था जिसको तमगा मिला है, शाहिद अफरीदी का दादे को रेप करने के लिए और मर्डर करने के लिए, उसने बोला था कि मेरे दादा को तमगा मिला था जो 1947-48 में, तो उसी रूट से तो आए थे पूरा, तब से तो ये पूरा ले रखा है उन्होंने इंडिया का एरिया चोरी करके। तो दीज आर द पीपल, दे शुड बी कंसर्न अबाउट देयर एरिया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पे हमले बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे भी इनको ना इंडिया की साजिश नज़र आ रही है कि इंडिया की साजिश है ना, इंडिया के, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि तुमने अपनी औकात से ऊपर जाके पंजा मारा, तो सवार ही दोष निजर निजर बुर्के को कौन शिकार करेगा। घुसा क्यों घुसा, उसको पैसे चाहिए थे। तुम्हारा जो भी जर्नल आया इक्तदार में, अच्छा। उसने कौम की जेब काटी है, कौम के गले काटे हैं, पैसे बनाए। ये अफगानिस्तान का जो पूरा जो मवाद फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है, ये क्योंकि मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक ये भाई गए थे घोड़े पे तलवार लेके सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए, अल्लामा इकबाल की पोएट्री पढ़ते पढ़ते घुस गए अफगानिस्तान में, ठीक है, कालिशनोकोवर पूरी हेरोइन और कोकीन पूरी पाकिस्तान में फैल गई, और इतनी पाकिस्तान में कोकेन फैल गई हीरोइन फैल गई कि पाकिस्तान की गलियों से होते 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 वो बनीगाला पहुंच गई, राइट। अब देखो दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, वही अमेरिकन से पैसे लिए। इन द लाइन ऑफ फायर आप किताब पढ़ें, इन द लाइन ऑफ फायर उसकी किताब पढ़ें, उसने 4,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बेच दिए। हम पहले भी डिफेंसिव ऑफेंस में कवर कर चुके हैं, अपने खुद के कौम के लोगों को जो बड़ा मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों को बेच दिया कि अलकायदा का है। वो कह रहा साहब मैं कबाब बेचता हूँ, शामी कबाब बेचता हूँ, कह रहा शामी शूमी कल बेचना तू, आज तू अलकायदा का है, लाओ जी $10,000। ऐसे करके उन्होंने अपने बंदे बेचे हैं। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, वजाहत खान जो वो नहीं है जर्नलिस्ट उनका, वजाहत खान बड़ा अच्छा बोलता है, ही इज़ वन ऑफ द सेनर वॉइस टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। हाँ हाँ, बट मतलब बंदा ठीक है, आई लाइक वजाहत खान से रिपोर्टिंग यार, मतलब टू द पॉइंट है बंदा, गोल गोल बातें नहीं करता। वजाहत खान के इंटरव्यू में उसने क्या बोला था, ही वॉज ऑन रिकॉर्ड कि हमारे बंदे गए हैं वहाँ पे, आर पीपल SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेज हैं, उसके बंदे मर्सनरीज बन के गए अफगानिस्तान में, यानी पैसे लिए और लड़े हैं वो लोग। छुट्टी पे गया बंदा 2 महीने की छुट्टी लेके कि साहब जी मुझे 2 महीने की छुट्टी जानी है, ठीक है, 2 महीने की छुट्टी उसने ली, तालिबान से पैसे पकड़े, छुट्टी नहीं, और तालिबान उसने ज्वाइन कर लिया 1.5 महीने के लिए, पैसे कमा के वापस आ गए। ये पाकिस्तानी फौज का रूटीन रहा है, और लोगों ने अलाउ करा है कि तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद, पता नहीं कैसे फनी फनी वर्ड्स, गाजी मुजाहिद टाइप के, अजीब अजीब गाजर मूली टाइप ना, इन्होंने चूरन खिला दिया लोगों को। अब वही इनके बम धमाके कर रहे हैं, और झूठ क्या बोल रहे हैं लोगों को कि AC का पाइप फट गया था, उससे 12-13 बंदे, यार AC का पाइप फट गया उससे बंदे मर जाते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, 13 लोग मर गए देखो, क्योंकि गाड़ी के AC का किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार,
किसको बेवकूफ बना रहे हो, एसी का पाइप फट गया, फिर कह रहे हैं इंडिया की साजिश, इंडिया ने एसी का पाइप फाड़ दिया। लोग हैं प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन, इज समथिंग दैट पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम, प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन। अब आप देखो तो बॉयज का हलवा बनने वाला नहीं 6 महीने और एक तालिबान बनाएगा। वैभव ये बात भी सच है कि वाइल पश्तून ज़रा मेजोरिटी इन अफगानिस्तान, पिछले कई दिहाइयों से जो ताजिक हैं उज़्बेक हैं उन्होंने राज कराया अफगानिस्तान पर, चाहे अमेरिकन सपोर्ट से करा है, वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट, जैसे भी करा है, और पाकिस्तान उनके बीच में पॉपुलर नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पश्तूनों में भी पॉपुलर नहीं है, बाय द वे दालखोर दालखोर बोलते हैं उनको काबुल में। तीसरी चीज़, अगर खाना जंगी होती है, अगर सिविल वॉर होता है अफगानिस्तान में, जो हमें दिख रहा है कि होगा, उसके डायरेक्ट जो असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने हथियार भेज दिए, और वही लाहौरी एंकर अपने कि इनका कौन सा जहाज़ गया, पहले 40 टन या 45 टन असला दिया, फिर 45 टन का असला दिया। अच्छा, पहली चीज़, कौन से लाहौरी एंकर ने देखा कि उस जहाज़ के अंदर असला था? मुझे तो एक बात समझ, इनसे मैं नॉर्मल चीज़ें पूछता हूँ, अगर मैंने पूछा भी किसी पाकिस्तानी से कि आपको कैसे पता, तो पता क्या जवाब देगा वो? ये नहीं बोलेगा कि ये फ़ोटो है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये बातें नहीं करेगा वो, बोलेगा और इंडिया भेजेगा क्या, असला ही तो भेजेगा, मतलब हैंस प्रूव्ड, दिस इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और भेजेगा ही क्या, और अपने आप को कन्विंस कर लेंगे, चार लाहौरी ना जसूस है, साजिश है, ये सब बकवास करके अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, वो कोई चार वही बेचारे मुरझाए हुए फूल वहाँ पे बैठे रहते हैं टेबल पे, और एक दूसरे से हाईली पंजाबीआइज्ड उर्दू में बात करके नाश मारते हैं डिबेट का। अब अगर हमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जहाज़ में असला नहीं भेजा, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं, हम तो प्रूफ मांगते हैं ना, हमारा जो सेंस है वो प्रूफ का है कि भाई आप सबूत दिखाएं, ऐसी उड़ी उड़ी बात ना करें, सबूत दिखाएं, इनको पाकिस्तानियों को सबूत की ज़रूरत नहीं है, मेरे चाचा ने देख लिया, उसके मामे ने देख लिया, उसके फुफड़ ने देख लिया, कहानी ख़त्म, इट्स हेंस प्रूफ, दे आर लाइक दैट ओनली, बट वी आर एजुकेटेड सो वी आस्क फॉर प्रूफ, कि क्या प्रूफ है, हमने तो नहीं देखा उस जहाज़ में था, हाँ ठीक है, दो जहाज़ उतरे होंगे इंडियन एयरफोर्स के, जरूर उतरे होंगे, ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि जहाज़ इसलिए उतरे हों क्योंकि हमारे मिशन हैं और हमारे लोगों को वापस ले जाना है, हमारा भी वहाँ पे बहुत सामान है, ये भी हो सकता है क्योंकि हमने अपने मिशन कुछ कुछ हमने मिशन अपने बंद करें अफगानिस्तान, ठीक है, डन। अगर हमें पाकिस्तान को ठोकना ही है, राइट, तो हमें क्या करना है? जितने भी ताजिक हैं, जितने भी उज़्बेक हैं, उनको देते जाओ हथियार, हमारे पास कमी थोड़ी है, एक बजट बना लेते हैं कि $1 बिलियन अ मंथ का असला बारूद हम ड्रॉप करते रहेंगे। हमारे तो सेंट्रल एशिया में एयरबेसेस भी हैं, हमारे दो एयरबेसेस हैं, फर्क और एक दूसरा भी एयरबेस, एंड बोथ आर इन द सेम कंट्री। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वैभव कि वी कैन इनडेफिनेटली थ्रू एयर कीप ऑन सप्लाइंग, हर रोज़ एक जहाज़ जाए, एक जहाज़ लैंड करे, हर रोज़ कितनी 4 घंटे की फ्लाइट होगी, गया वापस आया, अगले दिन गया वापस आया, करते रहो साल दर साल एमोनेशन भेजते रहो, अफगानिस्तान में लड़ाई होती रहे, पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अफगान्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन, और डिमांड सिंपल होनी चाहिए अफगानों की, और जो मेरा अफगान भाई सुन रहा है वो ध्यान से सुन ले, आपकी पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि कंप्लीट खैबर पख्तूनख्वा इज पार्ट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और बलूचिस्तान अपना अलग है, उसमें भी पश्तून है काफ़ी, लेकिन बलूचिस्तान इज़ ए सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट ऑल, और ये लोग करेंगे अपने आप, हाँ नहीं बलोच करेंगे, देखो बलोच आर सेंसिबल पीपल, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती गरीबी में रखा हुआ है, उनकी गैस चोरी कर ली इन लोगों ने, उनके नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करके चाइनीज़ को भेज दिए, अब उनकी जो फिशिंग करते हैं बेचारे बलोचों की मछलियाँ भी चोरी कर दी इन लोगों ने, इतने तो चाइनीज़ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब बलोचों से रीजनेबल लोगों की बात करो, आराम से प्यार मोहब्बत में बात करो, बलोच आपकी बात मान जाएगा, चाहे उसको घाटा हो आपकी बात मान जाएगा, अगर आप उसको फिंगर करोगे, अगर आप उसको परेशान करोगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, फिर वो हथियार लेकर पहाड़ों में चला जाएगा, जो पाकिस्तानियों को ठोक रहा है अभी, अभी जो कैप्टन अफान को मारा है और उसके एक साथी को मारा है, वो बलूचिस्तान में तो हुए, जो किलिंग हुई है बलूचिस्तान में, उसके पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी किलिंग,
जिसमें इतने ये चीनी विनी इंजीनियर और उसके पहले भी जो अब्दुल बासित था, जो वो यू नो मोबाइल फ़ोन के वो टावर वाला जो मामला था जिसमें एक का सर कलम कर दिया था, ये कौन है ये लोग? ये सब तालिबान का इम्पैक्ट है, ये सब तालिबान का इम्पैक्ट और पाकिस्तान के शहरों में होने वाला है और पाकिस्तान के शहरों में दोबारा तालिबान करेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान ना, सी व्हेन यू डांस विद द डेविल ना, एक कहावत है अंग्रेजी की, व्हेन यू डांस विद द डेविल विल आल्सो डांस विद यू। कि आप तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, और मैंने शुरू करी थी ये टॉक, आज का जो वीडियो है शुरू करा था, यू कैन नॉट कंट्रोल द तालिबान, बिकॉज द तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान वैसा नहीं है जैसे कि आप समझो कि चाइना की आर्मी है, अमेरिका की आर्मी है, इंडिया की आर्मी है, वो ऐसी नहीं है कि इसका एक कमांड स्ट्रक्चर है, इसमें वॉरलॉर्ड्स हैं हु ओ लॉयल्टी टू मुल्ला उमर और इज आइडियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये जब सेटल हो जाएगा ना, अफगानिस्तान की तो कोई इकोनॉमी है नहीं, ड्रग्स के अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? इट हैज़ नो इकोनॉमी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन फॉरेन सपोर्ट। अब क्या होगा इसका अगर तालिबान काबिज हो जाता है काबुल में और अपनी सरकार बना लेता है? देखो, एक तो पूरे अफगानिस्तान में कभी तालिबान ने राज करा नहीं, आज तक नहीं करा, आज तक किसी ने भी पूरा राज नहीं करा, वो फ्रैक्चर्ड अरसे में रहता है। क्यों फ्रैक्चर्ड रहता है? क्योंकि अफगानों ने कभी एक सेंट्रल अथॉरिटी मानी नहीं, जब से उनका राजा दाऊद, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, जब से उनका राजा गया है तब के बाद तो इट्स ऑलवेज बीन फ्रैक्चर्ड, मतलब तखन से के ओरा एकत्रित होते पा रहे हैं। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि 85% ऑफ अफगानिस्तान तालिबान ने टेक, ये सब ये चंडू खाने के फिगर्स हैं। ठीक है, 85%, कल अगर तालिबान काबुल में आ जाता है ना, तो तालिबान मे कंट्रोल 40-50-60%, इवन 70-80%, इट विल नेवर कंट्रोल 100%, क्योंकि कोई ना कोई वॉरलॉर्ड होगा जिसको पैसा चाहिए। कैसे पैसा, कैसे पैसा लाएगा वो? ड्रग से लाएगा, है ना। अब अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, ठीक हो गया, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अब वो जो चरस अफीम कोकेन है वो कौन से रास्ते दुनिया के पास जाएगी? सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट कौन सा है भाई साहब? पाकिस्तान का, है ना। ईरानी तो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, वो ये सब चीज़ें इनकरेज नहीं करते अपने मुल्क में। तो आप बताओ, वो जो इकोनॉमी है अफगानिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो कि ड्रग्स पे है, वो ड्रग्स कहाँ पे जाएंगे? वो पाकिस्तान जाएंगे। जो इतने हथियार हैं वहाँ पे, हर एक बंदे के पास दो दो हथियार हैं, 47 रॉकेट लॉन्चर लेके बंदा घूमता है वहाँ पे, वो कहाँ जाएगा? एवरीथिंग विल गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान थिंक्स दे कैन कंट्रोल द तालिबान, नोबडी कैन कंट्रोल द तालिबान, बिकॉज मैं वही चीज़ है, नॉट दैट कि वो बहुत बड़े कोई लड़ाका हैं या बहुत बड़े जंगजू हैं, नहीं, इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। आप पानी को कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप मुट्ठी में पानी को कैसे कैद कर लोगे? तालिबान पानी की तरह है, इसलिए तो पूरा बर्बाद नहीं हुआ वो। अगर उनका एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, देखो जब अमेरिकन गए थे, सदाम हुसैन 5-6 दिन के अंदर ठोक दिया उसको, यूनिफाइड स्ट्रक्चर था ना, एक बात पार्टी थी सदाम हुसैन की, इराक की बात कर रहा हूँ, कर्नल गद्दाफी लीबिया में, लीबिया की बात कर रहा हूँ, ठोक के मार दिया उसको। यहाँ पे यूनिफाइड स्ट्रक्चर है ही नहीं तालिबान का, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े फाइटर हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट जब श्रीलंकन आर्मी ने LTT को हराया, कैसे हराया? प्रभाकरण के अंडर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर था, है ना। औरंगजेब को कैसे ठोका छत्रपति शिवाजी महाराज ने? हाईली मोबाइल यूनिट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, हाईली मोबाइल यूनिट्स। मराठा आज यहाँ हैं 5 बजे, 6 बजे यहाँ पे हैं ही नहीं। औरंगजेब की गद्दी खड़का दी मराठाओं ने, ठीक है, एवरीबडी हैज डन इट, बट जो मराठाओं ने करा, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मराठाओं ने करा वो सच के लिए करा, वो न्याय के लिए करा, वो धर्म के लिए करा, ठीक है। ये तो आतंकवादी हैं सबके सब, है ना, एंड दे आर लाइक वाटर, यू कैन नॉट कंट्रोल द तालिबान, एंड यही तालिबान इनको ठोकेगा। अब देखना वैभव, 3 से लेकर 6 महीने में पाकिस्तान में यही ठोकेगा, वही, और उनका वही तरीका। और भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ना मैं देखो, मैं जितना भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलूँ, जितना भी जहर उगलूँ, मैं पाकिस्तानी आवाम के लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा, मैं उनको जानता नहीं यार, आई डोंट नो देम, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं वैभव, सच बात क्या है, इनके बाज़ारों में फिर प्रॉब्लम होने वाली, इनके मस्जिदों में फिर प्रॉब्लम होने वाली, इनके स्कूलों में फिर प्रॉब्लम होने वाली। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ वैभव, कि ना आखिरी बात बताता चलूँ, कि ये लाहौरी एंकर जो है ना, ये पाकिस्तान के जासूस वाले, इनको बड़ा ये है कि यार तालिबान जो है वो कश्मीर में जाएगा, और कश्मीर, इनको लगता है कि जैसे इनको एक जहनी तौर पे बीमार हैं ये लाहौरी एंकर,
कश्मीर कश्मीर, इनको लगता है कि सबको कश्मीर के बारे में फैसिनेशन है, तालिबान को कोई लेना देना नहीं है। देखो, मैनी वॉरलॉर्ड्स ऑफ तालिबान आर मर्सनरीज, वो भाड़े के फौजी हैं, उनको जो पैसा देगा उनके लिए लड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कैसे आ गए थे अंदर अर्ली 90s में? अर्ली 90s में इस तरीके से अंदर आ गए थे क्योंकि हम लोगों का वो तैयारी बॉर्डर पे उस ज़माने में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी की, वो फेंसिंग नहीं थी वहाँ पर जो आज की तारीख में, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हमने कभी तसव्वुर नहीं करा था ना कि ये ऐसा होगा, तो एवरीथिंग वॉज ओके। वी हैव ऑल्सो ग्रोन इन द लास्ट 30 years, ठीक है। अब कोई आए, और अगर कोई आएगा भी तो कहाँ से आएगा? अफगानिस्तान से फ्लाइट पकड़ के तो नहीं आएगा नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आएगा तो पाकिस्तान के बीच में से। और जो आदमी जहनी तौर पे बीमार है, वैभव, जो क्रिमिनल है, जो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, वो आपको क्या लग रहा है कि वो जब पाकिस्तान में होगा तो बिल्कुल शरीफ बन के और नमाजी बन के रहेगा, और इंडिया में आके जैसी कश्मीर में घुसता अचानक वो राक्षस बन जाएगा, शैतान बन जाएगा? नहीं, जो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल ही था, जो टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान में भी यही हरकत देखा नहीं जाएगा, जिसके लिए आप उसको नहीं जाएंगे। और ये सफ़र कर चुके हैं। हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना, इफ़ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला बड़ा फेमस कॉमेंट है उसका, हिलरी क्लिंटन का। तो एक तो ये बात है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर पैसे के लिए ही आ रहे हैं तो पाकिस्तान से तो हमारे पास 100 गुना ज़्यादा पैसा है यार। एक छोटा सा बजट बनाइए, और जो वहाँ पे वॉरलॉर्ड है सबसे बड़ा, उसको बोलिए वॉरलॉर्ड को कि बॉस ये हमारा बजट है, आपको कितना पैसा चाहिए? आपको पैसा ही तो चाहिए, आपके पास कितने? मेरे पास 5,000 फाइटर है, ठीक है, आप इनकी तनख्वाहें बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा पहुँच जाएगा दुबई के थ्रू, केमन आइलैंड के थ्रू, मॉरिशस के थ्रू, कैसे भी आपको 1 तारीख को पैसा पहुँच जाएगा, ठीक है। इतने करोड़ जी मेरा मंथली बजट है, 300 करोड़, 500 करोड़ इंडियन रुपीज़ मेरा मंथली बजट है, उसको पहुँच जाएगा, हमारे लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, हाथ का मैल है ये। और उसको बोलो कुछ मत करो, ठोकते रहो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट्स को यहाँ से ठोकते रहो ड्यूरेंट लाइन पे, मेक द ड्यूरेंट लाइन इनविजिबल। लास्ट थिंग एंड एक्चुअली द लास्ट, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ अ रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, ये वैभव होने वाला है। खाना जंगी बढ़ेगी, सिविल वॉर बढ़ेगा, और लाखों की तादाद में अफगान आएंगे पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, तो ऑलरेडी होते हैं पाकिस्तानी खुश। नाडरा वाले को पैसे चाहिए आईडी कार्ड बनाने के लिए ना, नहीं बनाएगा वो, उसमें पैसे लेगा, रेंट बढ़ेंगे, इसकी भी अपनी एक इकॉनमी है, इसकी भी अपनी एक इकॉनमी है, वो लोग आएंगे बेचारे यहाँ पर, और फिर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर, फिर कलिशनकोव लेकर आएंगे, ड्रग्स लेकर आएंगे, क्योंकि अगर 1,000 उदाहरण के लिए 1,000 अगर आते हैं अफगान पाकिस्तान के अंदर, राइट, 1,000 में से मैं कह रहा हूँ 950 इनोसेंट हैं, और मैं मानता हूँ हैं 50 उसमें पक्का तालिबान होंगे जो वहाँ पे भाग कर, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है ना, भाग के आ गए पाकिस्तान, किसी के माथे पे थोड़ा ना लिखा है कि तालिबान है, टप्पा थोड़ा ना लगा है किसी को, वो लेगा हथियार, और उसने कुछ सीख, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो वकील नहीं है, उसके पास कोई ट्रेड, उसको सिर्फ हथियार चलाना आता है, और उसको अपने बीवी बच्चों को पालना है, आप समझ रहे हैं, उसके पास स्किल सेट क्या है वैभव? आपका स्किल सेट है कंटेंट बनाना, आप कंटेंट बनाते हो, ये वैभव सिंह का स्किल सेट है, राइट, मेरा स्किल सेट कुछ और है ना, ये हैं बैठे, ये बैठे, सबका स्किल सेट अलग है, उसका स्किल सेट क्या है? उसका स्किल सेट ये है गोली चलाना, और वो चलाएगा गोली क्योंकि उसने बचपन से वही देखा, उसको आता यही है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं आता, सो ही विल पिक अप द वेपन एंड ही विल फायर, और आपस में रंजिशें होंगी, माफिया बढ़ेगा, पठानों का ये फ्रूट का ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माफिया किसका है? पठानों का ही तो है ना, दे विल बी सपोर्टेड बाय द तालिबान, ये सब होगा पाकिस्तान के अंदर। অনেক বড় ভিডিও, হ্যাঁ অনেক বড় ভিডিও, এবং এই ভিডিওর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু ছিল, একসঙ্গে অনেক কিছু কথা বলেছে, তবে এটা ঠিক আসলে যার যেটা স্কিল সে সেটা নিয়েই কাজ করবে। হ্যাঁ লাস্ট কথাটাই আসলে ওনার ঠিক ছিল যে স্কিল তো তারা আসলে বেশি কোনো কিছু জানে না, যারা শিক্ষিত কিছু মানুষ তো অবশ্যই শিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগই জনগোষ্ঠী কিন্তু আসলে এটার বাহিরেই, হ্যাঁ শিক্ষাটা নিতে পারেনি, এবং
এখনকার যে সিচুয়েশন আফগানিস্তানে সেখানে আসলে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু থাকবে সেই সুযোগটাও আসলে আফগানিস্তানে নাই। এখন তো আরব ওরা বললো যে তাদের মধ্যেও কিন্তু মতবিরোধ আছে, কিছু কিছু তালেবান চায় যে স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ হয়ে যাক, মহিলারা ভেতরে থাকুক, আবার কিছু চায় যে না এটা আবার স্কুল কলেজ গুলো সবাই এই সাথে যাক। তাদের মধ্যেও আসলে ইউনিটি নাই, এটাও বোঝা গেল ওনার ভিডিও থেকে, এটা আমরা আর কি বুঝতে পারলাম। ফুল ইউনিটি তো অবশ্যই নাই, পরে আমরা যদি মনে করি যে তাদের কোনো কমান্ডিং সিস্টেম আছে তারপরও কিন্তু একদম গ্রামে গ্রামে যে এই সিস্টেমটাকে চালু করা সম্ভব না, কারণ হচ্ছে এটাকে কখনোই এক এক সুতোয় গেঁথে রাখা সম্ভব হয় না কোনো মানুষের দ্বারা। একটা জায়গা থেকে জায়গা পরিবর্তন হলেই কিন্তু তাদের কমান্ডিং সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আসলে এখন জানি না আফগানিস্তানের কপালে কী আছে, আমরা সবসময় খবর নিউজ দেখছি, এটা নিয়ে আসলে সাধারণ জনগণের জন্য আমাদের অনেক, তারা আসলে খুব কষ্ট করছে, তাদেরকে এখন রিফিউজি হয়ে আসলে পাকিস্তানে চলে আসতে হচ্ছে। এবং উনি যেটা বললেন পাকিস্তান না, তারা কিন্তু উজবেকিস্তান বা অন্যান্য জায়গাতে, এমনকি আমরা শুনেছি যে কিছু আর্মি পার্সন কিন্তু তারা উজবেকিস্তানে যে সেখানে থাকা শুরু করেছে, তাদের কাছে হেল্প চেয়েছে রিফিউজি হিসাবে। আবার অনেকে হচ্ছে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আফগানদের সঙ্গে তালেবানদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তা হ্যাঁ ব্যাপারটা আসলে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে পাকিস্তান মনে করছে যে তালেবান আসলে হয়তো তাদের কোনো সুবিধা হবে। ইন্ডিয়ার যে ইনভেস্টমেন্ট আছে যেটা 3 মিলিয়নের একটা ড্যামে, তুমি একটু আগে যেটা বলছিলে, হ্যাঁ তো পাকিস্তান মনে করছে এটা অনেক অ্যামাউন্ট, কিন্তু আসলে ইন্ডিয়ার কাছে এটা তো খুব বেশি একটা অ্যামাউন্ট না, যে কারণে আসলে তারা এটা নিয়ে, আর এটা তো রিটার্ন পাওয়ার জন্য ইনভেস্টমেন্ট করা হয় নাই। হ্যাঁ, যেটা আমরা ওনার ভিডিও থেকে জানলাম যে এটা রিটার্ন পাওয়ার জন্য কোনো ইনভেস্টমেন্ট করেনি, এটা তাদের একটা সুবিধার্তে ইনভেস্টমেন্ট করেছে, তাদের ইউনিভার্সিটিতে তারা ইনভেস্টমেন্ট করেছে, তো সেক্ষেত্রে তাদের ভেতরকার এম্পাওয়ারমেন্ট বাড়ানোর জন্য তারা অনেক ইনভেস্টমেন্ট করেছে ইন্ডিয়া। তো সেক্ষেত্রে এই ড্যামটা নষ্ট হয়ে গেলে তাদের 300 মিলিয়ন অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল। এখন সে আর ইন্ডিয়া চিন্তা করছে আমাদের এখান থেকে তো কোনো বেনিফিট আসছে, মানে ওরকমভাবে তারা তো ফিরতি কোনো কিছু নিচ্ছে না, যার কারণে তাদের কাছে এতটা মাথা ব্যথা নাই এই জিনিসটা নিয়ে। পাকিস্তানের মধ্যে কিন্তু আসলে অনেক ছোট ছোট, আমরা যেমন বলে ইন্ডিয়ার মধ্যে যেমন স্টেটের ভাগ ভাগ আছে, ওরকম পাকিস্তানেও আছে। তো সেটার মধ্যে কিন্তু তোমার পাশতুন, বেলুচিস্তানের লোকজন, পাঞ্জাব, সিন্ধি, এগুলো লোকজন থাকে, এবং তাদের আলাদা আলাদা কিন্তু ভাষা এবং তাদের পরিবেশও আলাদা, মানে তাদের বৈশিষ্ট্য, হ্যাঁ ফ্যামিলিগত বৈশিষ্ট্য বা তাদের যে পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য তারা কিন্তু আলাদা, যার কারণে তারা এই করাচির যে কিছু আছে লোকজন সেটাকে উনি বারবার কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছিল যে করাচির লোকজনের সঙ্গে বাকি লোকজনের কিন্তু চিন্তাধারার অনেকটা মিলে না, অনেকটা সমস্যা আছে, যে কারণে যে কোনো সময় যদি কোনো কিছু লেগেও যায় তাহলে দেখা যাবে পাশতুন যেহেতু আফগানিস্তানের লোকজনই বেশি, তো তাদের মধ্যে একটা মিল মহব্বত থাকবে, সেটা কিন্তু একটা দিক। আর বেলুচিস্তান কিন্তু আগে থেকেই অনেক শিক্ষিত, এবং আমি দেখেছি যে তারা কিন্তু সম্পদশালী, অনেক গ্যাসের যে ব্যাপারটা উনি এখানে দেখালো যে তাদের গ্যাস কিন্তু অলরেডি চীনের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে সবাই যদি আসলে পাকিস্তানের গভর্নমেন্টের উপর খেপে যায় বা রেগে যায় তাহলে কিন্তু তাদের জন্য আসলে একটা প্রবলেম, এবং সেটা যুদ্ধ যেখানেই হোক না কেন। এখন আফগানিস্তানে তোমার কি মনে হয় যদি কোনো যুদ্ধ হয় তার ইম্প্যাক্ট কিন্তু অবশ্যই পাকিস্তানে পড়বে এবং ইন্ডিয়াতেও পড়বে কিছু, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে পাকিস্তানে বেশি পড়বে, কারণ তাদের বর্ডারটা খুব বেশি কাছাকাছি, যেটা হ্যাঁ পাশাপাশি দেশ যেটা এখানে দেখালো। তো ওভারঅল ভিডিও থেকে আমরা কিন্তু আসলে অনেক কিছুই জেনেছি। আর এখনকার আফগানিস্তানের যে সিচুয়েশন, সাধারণ যে জনগণ আছে তারা সেফ থাকবে এটাই আমাদের আশা। ওকে, মেজর গৌরব আসলে অনেক এক্সপ্লেন করে এবং অনেক ভিতর থেকে আসলে বিষয়গুলোকে তুলে এনে উপস্থাপন করে, যে কারণে হচ্ছে ওনার ভিডিওগুলো অনেক বড় হয় এবং ওই সমস্ত ভিডিও থেকে আসলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এবং আজকের ভিডিও থেকে আমরা আসলে আফগানিস্তান পাকিস্তান রিলেটেড কিছু ইস্যুগুলোকে জানতে পেরেছি, আরও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। তো ওভারঅল যে বিষয়টা দাঁড়ালো, যে ভিডিওটা থেকে আমরা অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি, আর এই ভিডিওতে আমরা যে রিয়েকশনটা দিয়েছি সেই রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।